traveling to Udaipur. I am going to meet my daughter Shanaya today. So this is what has been offered. I mean, tray लगाई गई है, tray के नीचे कपड़ा रखा गया है, अच्छे से मीठा है खाने में, टोमेटो केचप है. आई थिंक दिस इज अ सैंडविच, वेरी गुड सैंडविच, अदरवाइज ये पटाटा वड़ा है. तो उठ गई नाया दीदी, पापा को किच्ची डालो, किच्ची पापा को. ओए होए, तो ने पापा को हगी कैसे करते, हगी हगी और किच्ची कैसे करते, पापा को किच्ची कैसे करते, किसी आज कलो इधर करो किच्ची, और लव यू बोली, लव पापा को, अपने आप को नहीं. मत दबाओ मेरे को, आई गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का आज के मेरे व्लॉग में. आज का व्लॉग है बहुत ही इंपॉर्टेंट दो वजहों से. पहली वजह यह है कि आज है अहोई माता का व्रत, और दूसरी वजह यह है कि आज मैं मिल रहा हूँ शनाया से ऑलमोस्ट एक महीने बाद. यहाँ पे पड़े हुए मेरे बैग्स, और पापा किचन में मम्मी के लिए स्पेशली खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे करवा चौथ पे सुबह किया जाता है, अहोई पे भी सुबह किया जाता है. तो जिन जिनको नहीं पता कि अहोई माता का व्रत क्या होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वो होता है अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए. अहोई माता का व्रत होता है अपने बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए और दीर्घायु के लिए. मम्मी बैठी हुई है इधर, सुबह के बज रहे हैं 6:15, बस अभी पापा जो खाना लाएंगे वो मम्मी खाएंगी, और फिर करेंगी पूरे दिन का व्रत जो कि करवा चौथ की तरह ही होगा, ना कुछ खाएंगी ना कुछ पिएंगी. डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि करवा चौथ का व्रत खोला जाता है चांद को देख के, और अहोई माता का व्रत खोला जाता है सितारों को देख के. तो ये थाली तैयार करी है पापा ने मम्मी के लिए. बाकी है कि अर्ली मॉर्निंग इतना जल्दी खाने का मन को करता नहीं है, तो लेकिन एक पत्नी व्रता होने के नाते मैंने मम्मी के लिए, मैं तो 5 बजे उठ गया था, और दिन जो है वो 6 बजे के बाद निकलता है, तो दिन निकलने से पहले ही ये खा लेना चाहिए. तो ये मैंने मम्मी के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया है. और बेसिकली ये जो व्रत है ना, जैसे आपने बताया कि तारों को देख के फिर ये व्रत को खोल सकते हैं, तो वो बेसिकली इसके पीछे फंडा यही है कि जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, तो अपने बच्चों के लिए यही माएँ कामनाएँ करती हैं कि मेरे प्यारे बच्चे भी ऐसे बुलंदियों को छुएं और आसमान में तारों की तरह चमकें. तो हो चुके हैं मम्मी पापा और मैं रेडी, क्योंकि मम्मी पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट. सोनल रहेगी घर पर ही, क्योंकि सोनल की रिकॉर्डिंग एट 1:30. अभी बज रहे हैं 11:35, मेरी फ्लाइट है 2:20 की, तो आई हैव टू बी देयर अराउंड 12:30-12:40. तो चलते हैं जल्दी. और हाँ, एक और चीज, आई एम ट्रैवलिंग एयर इंडिया बिजनेस क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को आज. वेरी नाइस एक्सपीरियंस. और ये जो है ना फ्रेंड्स, NRIs के साथ ये हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये जब आते हैं ना बच्चे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो खैर हम प्रिपेयर्ड हैं. हमारे पास 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा US का भी है, कनाडा का भी है, लेकिन थोड़ा महसूस होता है जब बच्चे जाते हैं. अभी कौन सा जा रहे हैं? अभी मैं इंडिया में ही हूँ वैसे भी, और मम्मी पापा भी उदयपुर मिलने वाले हैं अभी आके. दस दिन में उदयपुर ही आ रहे हैं सबके सब, कोई कहीं भी जा रहा. तो पहुँच गए हैं मुंबई के एयरपोर्ट. तो ये पापा मम्मी मेरी ट्रॉली लेके चल रहे हैं. मैं अब जा रहा हूँ उदयपुर, और मैं मिलूंगा उदयपुर में शनाया से, मीनल से, महर्षि से, पापा जी से, मम्मी जी से और दादी से. और जल्द ही मम्मी पापा भी उदयपुर आने वाले हैं, क्योंकि महर्षि की है शादी. ओके राधे राधे राधे, हैव ए सेफ लैंडिंग एंड प्लेजेंट जर्नी, सी यू सून. सी यू सून, चलो राधे राधे, मिलते हैं मम्मी जल्दी. राधे राधे. तो हो गया मेरा चेक इन. सबसे अच्छी चीज़ जो बिजनेस क्लास की है वो ये है कि यू आर अलाउड 35 kgs ऑफ चेक इन बैगेज. इट डजेंट मैटर चेक इन आपका एक बैग हो, दो बैग हो, तीन बैग हो, इन टोटल इट शुड बी 35. सो द बैग दैट आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग एज अ हैंड बैग, वो अच्छा हुआ कि अब वो मेरा चेक इन में ही चला गया. और दूसरी अच्छी चीज़ ये कि ये सारी लाइन मैंने अवॉइड करी है. और तीसरी अच्छी चीज़ ये कि आई हैव गॉट द लाउंज कार्ड, आई कैन हैव फ्री food and everything else in the lounge, and I can rest for a while before my flight. So security ho chuki hai, now I'm walking towards the lounge. Thoda bura lag raha hai kyunki mummy ke sath main ahoi vrat pe nahi hunga. Agar mujhe thoda sa bhi andaaza hota ki 17 ko ahoi mata ka vrat hai, to main 17 ko ruk ke 18 ko chala jata. So here it is, the
Adani Lounge. I don't have much time, but I'm still going to explore what it offers. So the boarding starts in 5 minutes, but still, मैं थोड़ा सा आपको lounge ये area सब कुछ दिखा दूँ. There's free buffet, वो भी दिखा दूँ. What options are available? ये सब options हैं यहाँ पे. दाल, पनीर लबाबदार, चावल, पापड़, बिरयानी, अचार, rice, fish curry. They've got pasta, veg jalfrezi, assorted breads. Ample amount of options and desserts even. बहुत अच्छी ऑप्शन है. तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एंजॉय हाफ अ रोटी, पनीर लबाबदार एंड थोड़ा सा पास्ता. अच्छा है कि अपना पेट भर के जाओ ताकि इतनी जल्दी भूख ना लगे. सो इट्स 1:35 राइट नाउ. बोर्डिंग चालू हुए 15 मिनट हो चुके हैं, बट इट्स ओके, आई एम स्टिल ऑन टाइम. आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द गेट. एंड वन थिंग देयर इज इज कि मैंने शनाया के लिए ये छोटा सा बनाना लिया. सो दिस एक्चुअली इज माई सीट 1A टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट. सो आई वॉज एक्चुअली ऑफर कोल्ड टॉवल एंड मैगजीन्स, न्यूज़ पेपर्स सून एज आई सैट. एंड उसके बाद आई वॉज ऑल्सो ऑफर्ड सम चार्ज. सो वी आर एक्चुअली टैक्सिंग टूवर्ड्स द रन वे एंड आई बिलीव, नॉट बिलीव बट आई नो दैट आई एम द ओनली वन हुज़ एक्चुअली सिटिंग इन बिजनेस क्लास टुडे. Let's go Mumbai, let's go towards Udaipur. मुझे सबसे ज्यादा फ्लाइंग में यही पसंद आता है, जो क्लाउड्स के बीच में से जब आपका जहाज निकलता है ना, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर. सो दिस इज व्हाट हैज बीन ऑफर्ड. आई मीन ट्रे लगाई गई है, ट्रे के नीचे कपड़ा रखा गया है, अच्छे से मीठा है खाने में, टोमेटो केचप है. आई थिंक दिस इज अ सैंडविच, वेरी गुड सैंडविच, अदरवाइज ये बटाटा वड़ा है. तो खाने में आई वुड से ये कुछ मैंगो का है. इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, बहुत ज्यादा टेस्टी है. बटाटा वड़ा मैंने ट्राई किया, ये बहुत अच्छा है. सैंडविच मुझे इतना पसंद आया नहीं. और साथ में मैंने मंगवा लिया था चार्ज का एक और ग्लास, क्योंकि मुझे ये बहुत टेस्टी लगी थी. तो आखिरकार आ ही गए हम उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, मेरा ससुराल. काफी रश है एयरपोर्ट पे. इन लोगों को यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को जल्दी से गाड़ी में सामान रख के बस भागना ही पड़ेगा. तो बैठ गया हूँ मैं गाड़ी में. महादेव जो है अभी सो रहे हैं पीछे. तो अभी घर पे उठेगी या रास्ते में उठेगी तो इससे मिलता हूँ. तो आ गए हम घर. महर्षि बस अभी गाड़ी लगा रहा है. शनाया दीदी अभी तक उठी नहीं है. मैं सामान निकालूंगा, ऊपर जाऊंगा, थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करूंगा, तब तक देखते हैं महादेव उठ ही जाएंगे. तो उठ गई नाया दीदी. पापा को किच्ची गालो, किच्ची पापा को. ओए होए, हाँ जी बे, तू नमनी तैत हो. नाया दीदी तिथारी है ना, और कौन बैठा है? शनाया अपने सारे टॉयज दोबारा से मेरे को मिला रही है, सबसे मेरी बात करवा रही है. ये न्याई क्या नाया दीदी है? शूज है. किसके शूज है? तो पापा को हगी कैसे करते? हगी हगी किच्ची कैसे करते पापा? किच्ची कैसे करते? किसी आज कलो इधर करो किच्ची. लव यू बोली, लव पापा को, अपने आप को नहीं. ये आज सब करा के दिखाएगी मेरे को. कैसे क्या कर रही हो आप? कैसे जंपी कर रहे हो? कैसे कर लियो जंपी? कैसे जंपी 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 जंपी. और नाया दीदी का पिल्लो का है? और नाया दीदी निन्नी कैसे करती है? और चली गई. आईज क्लोज कैसे करती हो? दादू ने आईज क्लोज कैसे सिखाया है? ऐसे करके लेट जाओ नमनी, लेट जाओ. नाया दीदी नमनी को मम पिला दो तू, और मिन्नी को मम पिला दो तू, और ये मिक्की को भी मम पिला दो. आप भी मम पी लो. अभी हो गई है शाम और हम सब बैठेंगे अभी बाहर. नाया दीदी खेल रही है. हाँ जी, हाँ ये आज मेरे को बैठने नहीं दे रही है शांति से. हाँ जी बोलो. रनिंग 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 रनिंग. अच्छिया दीदी आ मत दबाओ मेरे को. आई नाया दीदी आ. ये देखो ये नाया दीदी देखती रहती हैं बाहर और अपनी डॉल को, अपने टॉयज को ऐसे यहाँ पे खड़ा कर देती हैं. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ व्लॉग टुडे गाइस. ऐसी मस्तियाँ होती रहेंगी. हमारे व्लॉग को प्लीज कीजिए सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन द चैनल, ताकि जितनी भी आगे के व्लॉग्स आए वो आप मिस ना करो. आगे बहुत मस्तियाँ करने वाले हैं. मैं आपको पूरा उदयपुर दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, अपने नजरिए से. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टेक केयर.